बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 41 केंद्रों पर कुल 1834 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 328 लोग तथा सेकेंड डोज देने वालों में 1506 लोग शामिल रहे, जिसमें दो महिला स्पेशल बूथ, दो अभिभावक स्पेशल बूथ, महिला पुरुष जिला अस्पताल सहित सीएचसी पीएचसी पर वैक्सीनेशन किया गया। बुधवार को छठ का पर्व होने के कारण टीकाकरण सेंटरों पर लोगों की संख्या कम देखी गई। इसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि त्यौहार के मद्देनजर टीकाकरण कराने वालों की संख्या कम देखी गई। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, रानी की बम भी है। फोन देखिए आंटी, यहाँ पर फोन दबाते आज हमारे जनपद में 41 जगहों पर वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन हो रहा हुआ है। अभी तक हमने 32,97,000 डोजेज लगा दिए हैं, उसमें से 23,63,000 फर्स्ट डोज और 9,34,000 सेकेंड डोज लगाए गए हैं। अभी भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो 10,00,000 ऐसे लोग छूटे हैं जिन्होंने अभी भी एक भी डोज नहीं लिया है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है 35,00,000 की है, जिसको जिनमें हमें लगाना है, तो कम से कम 10,00,000 लोगों को और लगाना है जिससे हमारे पूरे जनपद को फर्स्ट डोज मिल सके। तो हमें अपनी जनता से अपील है, अपने नागरिकों से अपील है कि वो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पर आए। हमारे सभी सरकारी अस्पताल और हमारे सभी सीएससी पीएससी सब पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण चल रहा है। लोग आए और हम अपना वैक्सीनेशन कराएं, और साथ ही साथ हमारे पास 2,50,000 ऐसे लोग हो हैं जिनका की सेकेंड डोज पूरा हो चुका है, सेकेंड डोज का ड्यू पूरा हो चुका है, वो लोग अभी भी छूटे हुए हैं, नहीं आ रहे हैं। तो उनसे अपील है कि वो हमारे सेंटर पर आए और अपना सेकेंड डोज पूरा करके और अपने को पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित कर ले, जिससे कि हम कोरोना से अपने जिले को मुक्त कर सकें।